नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल म्यूजिकल शाला। इट्स ऑल अबाउट म्यूजिक। दोस्तों, आज हम बात करेंगे थाट मारवा के बारे में। हमारी थाट की सीरीज चल रही है, कई सारे थाट मैं बता चुका हूँ। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी तो उन वीडियोस को ज़रूर देखिए, हमारी थाट से रिलेटेड वीडियोस को। ये हमारे सारे एडवांस लेसन्स हैं जो चल रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे और आपको समझाऊंगा मैं थाट मारवा के बारे में। दोस्तों, थाट मारवा ऐसे कहा जाता है कि जो तीन थाट हैं, मारवा, पूर्वी और तोड़ी, आधुनिक थाट हैं। इनका प्रचलन जो है वो बाद में आया इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक में। जो मारवा जो दोस्तों थाट है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग थाट है। इसके अंदर दोस्तों रे कोमल और मा तीव्र प्रयोग किया जाता है और अन्य स्वर शुद्ध होते हैं। तो ये जो स्वर हैं, इसी स्वरों के समूह से इसको अलग बनाते हैं मारवा थाट को और राग से। और ये कॉम्बिनेशन बहुत अलग होता है, लोगों को गाने में भी इसमें प्रॉब्लम होती है। तो चलिए दोस्तों, हम समझते हैं थाट मारवा के अंदर रे कोमल और मा तीव्र का जो कॉम्बिनेशन है वो कैसा होता है और इससे रिलेटेड जो राग होंगे वो कैसे होंगे, हम थाट को गाकर समझते हैं। दोस्तों, कुछ इस प्रकार से मैं आपको गाकर सुनाता हूँ जो थाट मारवा है उसके जो कॉम्बिनेशन है स्वरों का वो कैसा है। रे कोमल और मा तीव्र इसके अंदर यूज होते हैं, अन्य स्वर शुद्ध होते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सारे गा मान, ये तीव्र मा है, मा मा शुद्ध मा, मान सारे गा मा पदानी नी दा पा मा गा रे सा, कुछ अलग सा प्रतीत होता है। सारे गा मा गा मा धा मा गा मा गा रे गा मा गा रे सा, सारे गा मा धा मदनी दा मा गा मा दा मा गा रे सा। ये जो दोस्तों ये अलाप था, ये मारवा राग का था, लेकिन जो ये इसके स्वर हैं, सा रे गा मा पा दा नी दा पा मा गा रे सा। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, चलिए जानते हैं हम थाट मारवा में कितने राग होते हैं, कितने राग उत्पन्न होते हैं थाट मारवा में। पहला जो दोस्तों राग है, राग मारवा, ये आश्य राग है इस थाट का। अपने थाट के नाम से ही जिस राग का नाम हो उसे आश्य राग बोलते हैं और स्वर भी उसी से रिलेटेड होते हैं उस राग के। तो थाट मारवा से जो पहला राग उत्पन्न होता है वो है राग मारवा ही है। दूसरा जो दोस्तों राग है, राग सोहनी, ये भी बहुत प्रचलित राग है। इसके बाद है राग पूरिया, ये भी फेमस राग है। इसके बाद राग पूरिया कल्याण। इसके बाद है दोस्तों राग भंखार, भंखार थोड़ा अलग सा नाम है, आप पढ़ के देख सकते हैं, आपकी लिस्ट आ रही होगी टीवी स्क्रीन पर। जो सिक्स दोस्तों जो राग है, राग साजगिरी, साजगिरी राग है छठा जो राग है। सातवां जो दोस्तों राग है, राग माली गौरा। आठवां जो दोस्तों राग है, राग ललित गौरी। आठवां जो था लाल राग ललित गौरी, बहुत अलग से नाम है, पढ़ने में भी बहुत दिक्कत होती है, तो इसलिए मैं स्क्रीन पर लिखे हुए हैं कि आप भी पढ़ पाएँ इनको अच्छे से। अगर मेरे से कोई गलती हो तो माफ़ कीजिएगा। नौवां जो दोस्तों राग है, राग पूरब। इसके बाद दसवां जो दोस्तों राग है, राग पूर्व कल्याण। ग्यारहवां दोस्तों राग है, राग वराटी, वराटी वराइटी काइंड ऑफ ऐसा कोई वराटी नाम है इसका। बारहवां दोस्तों राग है, ये बहुत फेमस राग है, राग भटियार। कॉलेज टाइम में मैं सुनता था इस राग को जब मैं सीखता था म्यूज़िक। नेक्स्ट जो दोस्तों तेरहवां जो आखिरी राग है मारवा थाट का, राग पंचम। तो आशा है दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारा चैनल
सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि लेटेस्ट अपडेट आप तक आते रहेंगे म्यूज़िकल शाला चैनल के, और जो भी हमारी वीडियोस होंगी वो आप तक पहुंचती रहेंगी। तो आपसे अलविदा लेते हैं दोस्तों, धन्यवाद।